हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और उसमें हमने जनवरी के दो वीडियो कंप्लीट किए हैं। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे। कुल मिला के हम चार वीडियो बनाएंगे, ठीक है? चार से पाँच वीडियो हो जाएंगे। तो आज करीब 60 प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, और जितना सुनेंगे उतना ही आपको याद होगा, और इसका फ़ायदा आपको आपकी परीक्षा में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो कि है, पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है, ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 10 में से 2 डॉपलर मौसम रडार को कहाँ चालू किया है? तो भैया कहाँ पर चालू किए हैं देख लेते हैं। तो याद रखना कि ये आपका मुक्तेश्वर और कुफरी में स्टार्ट किया गया है, ठीक है? याद रखना। एक्सप्लेनेशन देखें तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेशी रूप से निर्मित 10 डॉपलर मौसम रडार में से 2 को चालू किया, जो हिमालय पर मौसम परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, याद रखना इम्पोर्टेंट है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुक्तेश्वर और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में एक्स बैंड डॉपलर रडार को की सेवाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस पर, ठीक है? दूसरा प्रश्न है कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ, नाम है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? तो याद रखना इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है? इसमें भी वही हम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, ठीक है? निम्नलिखित में से किस शहर के लिए ऐसी किसी भी ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई जाती है? ठीक है, इसमें से कौन सा है? देखिए इसमें वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन युवा, चेन्नई और प्रताप नगर है, लेकिन यहाँ पर सिवनी का नाम नहीं है। तो सिवनी का नाम नहीं है तो इसका सही उत्तर सिवनी हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, ये भी याद रखना कौन सी ट्रेन है। अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस 8 ट्रेनों में से एक विस्टा डोम टूरिस्ट कोच से सज्जित है, जो यात्रियों के लिए छत के शीशे और सीटों के साथ बड़े देखने के क्षेत्र प्रदान करती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया या किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता हुआ भाई? याद रखना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब विकसित करने के लिए किसके साथ किया है? तो अमेजन के साथ किया है, ठीक है? अगला प्रश्न है किस बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए डिजिटल भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका सुरक्षित भुगतान नाम से विकल्प लॉन्च किया है? तो किसने किया भाई? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है ऐसा, ठीक है? सुरक्षित भुगतान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो सरकार को 39 विभागों द्वारा किए गए प्रतिबंधों व्यय पर डेटा तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो भैया कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है? याद रखना। अगला प्रश्न है 2021 के लिए वैश्विक मारक क्षमता रक्षा समीक्षा में भारत का रैंक कौन सा है? तो
तो भारत का रैंक कौन, तीसरा, सातवां, छठा और या चौथा, कौन सा है भाई? तो याद रखना भारत इस समय चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो वैश्विक मारक क्षमता रक्षा समीक्षा में भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, किस बैंक ने वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं के समग्र स्वास्थ्य, आत्म देखभाल और कल्याण है, इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना हमें। तो किसके साथ समझौता हुआ है, याद रखना यस बैंक ने किया है, किसके साथ, आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है, यस बैंक ने किया है ऐसा। इसके बारे में इसकी व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रश्न का ही रूप है ये। अगला प्रश्न है, दूर संचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दूर संचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने भाई, तो याद रखना भैया संजीव कुमार बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान, नाम है सक्षम, सक्षम क्या है, एक जन जागरूकता अभियान है, की शुरुआत की है, तो किसने की है भाई, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, दिल्ली में महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान है, नाम है सक्षम। क्या है इसमें देख लेते हैं, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है इसके, इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यह अखिल भारतीय अभियान क्या है, स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स को KYC सत्यापन और ग्राहकों के सत्यापन को डिजिटल रूप से पूरा करने की अनुमति देने के लिए InstaFX नाम क्या है, InstaFX नामक अपना नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कौन भाई, नाम है ICICI बैंक ने InstaFX मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, क्यों किया है, KYC सत्यापन ग्राहकों के सत्यापन को डिजिटल रूप में पूरा करने की अनुमति देने के लिए, ठीक है। तो ICICI बैंक देश का पहला बैंक है जो मुद्रा परिवर्तकों को इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा, तो ध्यान रखना भाई ICICI ऐसा पहला बैंक बन जाएगा, ठीक है। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का मतलब भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई, स्थापित कहाँ पर होगा, तो याद रखना ये केरल में होगा, केरल में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। केरल में भी कहाँ, अलप्पुझा में, केरल में अलप्पुझा में हाउस बोट पर्यटन केंद्र है, वहीं पे हो रहा है, ठीक है। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन रही हैं, भावना कंठ हैं इसमें, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, भावना कंठ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया है, तो कहाँ पर किया इन्होंने, याद रखना बेंगलुरु में, क्या है कि स्वदेशी रूप से है, पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन है और विकसित भी है चालक रहित मेट्रो कार, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक। आगे है, औषधि और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, औषधि और बागवानी खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन शुरू किया, बागवानी विकास मिशन इसका एक और नाम है बगायत विकास मिशन, किस राज्य ने शुरू किया भाई, गुजरात सरकार ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः आयोजित इंडिया डिजिटल समिट 2021 के दो दिवसीय 15वां संस्करण था, याद रखना इंडिया डिजिटल समिट 2021 है, इसका 15वां संस्करण है, इसका विषय क्या रहा है भाई, तो इसका विषय क्या हुआ, विषय था कि आत्मनिर्भर भारत 2022 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, क्या था, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत,
ये इसका विषय रहा है। ठीक है, क्या नाम है? इंडिया डिजिटल समिट 2021, दो दिन का होता है, 15वां संस्करण रहा है। ठीक है, याद रखना। कार्यक्रम, प्रमुख कार्यक्रम था इसमें, याद रखना, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम है। कौन है? IAMAI। ठीक है, स्टार्टअप का समर्थन करने और नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रारंभ हुआ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए कोष कितना है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए कितना कोष निर्धारित हुआ है? 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, याद रखना, 1000 करोड़ का। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमोद सावंत नाम है। एक मिनट, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नहीं है, गोवा के मुख्यमंत्री तो वही हैं, लेकिन इस किताब के लेखक वो नहीं है, इस किताब के लेखक हैं वामन सुभा प्रभु हैं। ठीक है, चलिए, विमोचन किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। ठीक है, अगला है कि दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये हैं संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में दूर संचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के निर्वाचित उपाध्यक्षों में कौन एक हैं? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नाम है किरण मजूमदार शाह। कौन है भाई? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 उपाध्यक्षों की घोषणा हुई, 3 उपाध्यक्ष हैं इसमें। ठीक है, शामिल होने वाले एक तो ये हो गई किरण मजूमदार शाह, तो 2 और हैं, कौन कौन हैं? एमवे के सीईओ मिलिंद पंत हैं, और दूसरे हैं एडवर्ड नाइट। ठीक है, जो कि नैसडेक के उपाध्यक्ष हैं, तो नैसडेक के उपाध्यक्ष एडवर्ड नाइट और एमवे के सीईओ हैं मिलिंद पंत। ठीक है, चलिए अगला है IIFL होम फाइनेंस ने MSME ऋण को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? IIFL ने, होम फाइनेंस ने किसके साथ किया भाई? IIFL फाइनेंस ने उसकी गृह ऋण सहायक IIFL होम फाइनेंस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ समझौता हुआ। ठीक है, चलिए अगले देखें। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला भारत का पहला राज्य, प्रत्यक्ष DBT के माध्यम से, याद रखना, DBT के माध्यम से बात हो रही, बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य भैया कौन सा बना? तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पर एक योजना भी चल रही है, उस योजना का नाम बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें हम उसका मेंशन नहीं किए। कल्याण घोटाले पर किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया? कल्याण घोटाले पर किस देश के हैं भाई ये मार्क रूट, उनके पूर्व मंत्रिमंडल, बाल कल्याण भुगतान है। ठीक है, याद रखना, तो कहाँ के हैं भाई? डच प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, डच प्रधानमंत्री याद रखना। अगला प्रश्न है बैंकॉक में आयोजित होने वाले थाईलैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसके पास है? किसने जीता महिला एकल का खिताब जो थाईलैंड ओपन हुआ है उसके उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता भाई? तो उसमें ताइजू यिंग ने जीता है, और ये बैंकॉक में ही थाईलैंड ओपन खिताब का दावा किया, मतलब जीती हैं। याद रखना, कैरोलिना, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता भाई? अच्छा,
कैरोलिना मारिन ने जी मारिन कैरोलिना मारिन ने जीता है, तो हराया इन्होंने ताइजुइंग को, ताइजुइंग को हराकर कैरोलिना मारिन ने ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, चौथी वरीयता प्राप्त, इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका व्याख्या है। चौथी वरीयता प्राप्त विक्टर एक्सेलसन, विक्टर एक्सेलसन ने पुरुषों के खिताब का दावा करने के लिए एक ठंड और आठवीं वरीयता प्राप्त एंगस लॉन्ग से मुकाबला किया था। विक्टर एक्सेलसन ने जीता है थाईलैंड ओपन का खिताब। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, वाहरे ब्रिज, वाहरे ब्रिज नाम है, उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? अभी हुआ है ना, सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज मेघालय में हुआ है, याद रखना भाई। मेघालय में कहाँ हुआ है? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा है, याद रखना, पूर्वी खासी हिल जिले के सोहबर में इस वाहरे ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आगे है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक ने नए युग के फिनटेक नियो के साथ करार किया? फिनटेक नियो के साथ किस बैंक ने करार किया भाई? तो ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम निनय वु लुक को मारा ना मिल रही, अब्दुल कलाम निनय वुग लुक माराना मिल्लई पुस्तक APJM नजेमा मरे कयार ने किसके साथ लिखी है? APJM नजेमा मरे कयार ने लिखा है, लेकिन उसमें एक और शामिल है भाई। देखिए, इसमें जो दूसरे शामिल हैं उनका नाम क्या है? उसमें YS रजनी है। ठीक है, याद रखना। तो एक तो हैं APJM नजेमा मरकयार और दूसरे हैं YS रजनी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी होता है, ध्यान रखना, क्या है, कौन सा इंडेक्स है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपको पता हो गया, नीति आयोग जारी करता है। दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि दूसरा संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना भाई, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, कर्नाटक पहला है, तो बाकी प्रतिबद्ध प्रदर्शन करता है। 2020 की रैंकिंग कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा, कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र फिर दूसरे स्थान पर, जबकि तमिलनाडु तीसरे पर। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे फिर आगे उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पहला स्थान पर है, उसके बाद उत्तराखंड मणिपुर है। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों के बारे में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश पहला स्थान, उसके बाद आएगा उत्तराखंड, फिर आएगा मणिपुर। दिल्ली पहले स्थान पर, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो दिल्ली पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, चलिए, जनवरी 2021 में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? जनवरी 2021 में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया भाई? तो ये हैं किरेन रिजिजू, आपको पता है किरेन रिजिजू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत सरकार को 2019-20 के लिए कितनी अंतिम लाभांश का भुगतान, कितना अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया है? तो भाई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार को 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान किया है, तो कितना किया है? इसका उत्तर यहाँ नहीं है फिलहाल, इसका हम उत्तर कल बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं जूरी रातस? किस देश के प्रधानमंत्री हैं जूरी रातस? अपनी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया, जूरी रातस किस देश के प्रधानमंत्री हैं भाई? जूरी रातस जो हैं एस्टोनिया, जूरी रातस एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
चलिए, इनके बाद काजा क्लास बनी मेरे ख्याल से, ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? तो वो राज्य है भैया केरल, ठीक है। यूपी में कौन सी योजना है इसके बारे में आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा कौन सा संस्थान चला रहा है ये भी देख लेते हैं। मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये भी याद रखना, वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन, ठीक है। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश को अपना प्रमुख राजनीतिक भागीदार नामित किया? मतलब यूएसए तो ही है, यूएसए ने यूएई को तो किया, उसके साथ में किसी और देश को भी किया है, वो देश है बहरीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा उनके साहित्यिक कार्यों के लिए साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा उनके साहित्यिक कार्यों के लिए साहित्य गौरव सम्मान किसको दिया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको दिया गया है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास क्या है एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया है? वायुसेना अभ्यास है एक्स डेजर्ट नाइट 21, तो किसके साथ हुआ भाई? फ्रांस, रूस, बांग्लादेश, मालदीव, तो फ्रांस के साथ हुआ, ठीक है, याद रखना फ्रांस के साथ हुआ है ये। आगे है, जनवरी 2021 में किस राज्य का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव बिहार में मनाया गया है? बिहार में भी कहाँ भाई? जमुई में, याद रखना बिहार पीसीएस के लिए स्पेशल है, ठीक है। नागी नक्की पक्षी अभयारण्य में मनाया गया, ये भी याद रखना है, पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव है ये, याद रखना 15 जनवरी को आयोजित भी किया गया। भारत सरकार के किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड दिया गया? भारत सरकार के किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड मिला है? किस मंत्रालय को मिला है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय को ये अवार्ड स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी के छठे कार्यकाल के लिए देश किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? फिर से चुना गया, योवेरी मुसेवेनी को छठे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो याद रखना भैया युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कई स्वास्थ्य कल्याण लाभों से भरा एक क्रेडिट ऑरा लॉन्च किया? किस बैंक ने किया है? कोई बैंक है, वो है एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक ने ऑरा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या नहीं देखें। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रबंध निदेशक वो भी किसके? LIC के। कौन भाई? प्रबंध निदेशक LIC के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती नाम है इनका, सिद्धार्थ मोहंती नाम याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण उद्घाटन हुआ, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? किसको दिया गया भाई? तो ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को ये वाला पुरस्कार मिला है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? नाम याद रखना, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित हुआ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण गोवा में हुआ है, ये भी याद रख लेना कि गोवा में हुआ है। किस देश के छायाकार विटोरियो स्टोरारो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला भाई? विटोरियो स्टोरारो को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन है वो? इटली के रहने वाले हैं विटोरियो स्टोरारो, ठीक है, याद रखना। अगला है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा किन शहरों के बीच में शुरू हुई है? चंडीगढ़ करनाल हिसारी, रोहतक अंबाला, चंडीगढ़ हिसारी। तो भाई कहाँ से कहाँ तक? चंडीगढ़ और हिसार, हिसारी नहीं हिसार है ये,
हिसार है ना बिहार, चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती 23 जनवरी को सरकार द्वारा घोषित हर साल पराक्रम दिवस, ये सबको पता होगा, ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है, याद रखना। ठीक है, ठीक है ना, ये याद रखना हमें, 125वीं जयंती मनाई गई। अगला है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस द्वारा CRPF को कौन सा बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन सौंपा गया है? नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस के द्वारा CRPF को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना उसको, उसका नाम क्या है, नाम है उसका रक्षिता, रक्षिता, रचिता भी आ जाए ऑप्शन में तो कन्फ्यूज नहीं होना, रक्षिता है, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है, अगला है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 दौरान केंद्र के सरकारी राजकोषी, ये 2021, ठीक है, 2021, ठीक है, राजकोषीय घाटे के अपने अनुमान को GDP कितने प्रतिशत तक संशोधित किया भाई? तो ये किए हैं 7.8% कर दिए हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि पैट जेलसिंगर को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया? CEO बने हैं पैट जेलसिंगर, नाम है किस कंपनी के बने भाई? नाम है कंपनी का इंटेल, इंटेल के CEO बनाए गए पैट जेलसिंगर। ठीक है, 40 वर्षीय हैं, याद रखना। अब ये भी याद रखना, ये किसकी जगह ले रहे हैं, बॉब स्वान की जगह ले रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे रखा गया है? बाला साहेब ठाकरे किसी चिड़ियाघर का नाम रखा गया है, नाम है उसका गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? विश्ववीर आहूजा नाम है, प्रबंध निदेशक बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने हैं, वो कौन से बैंक के बने हैं? तो भैया RBL बैंक के बने हैं, MD और CEO। ठीक है ना, याद रखना। चलिए, 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश की राजदूत नजहत शमीम खान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश की राजदूत हैं नजहत शमीम खान को 2021 का अध्यक्ष चुना गया? तो कहाँ के हैं नजहत शमीम खान? फिजी की हैं, फिजी, फिजी, ठीक है, फिजी की रहने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखें, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग और लव अफेयर विद द मोस्ट सबटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नो टू ह्यूमन काइंड, ये किसकी किताब है? बहुत बड़ा नाम है इसका। ठीक है, ये है रामचंद्र गुहा की, रामचंद्र गुहा की किताब है, बहुत लंबा नाम है, याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है और उन्हें मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से भी उससे जोड़ा जाएगा? तो कौन सा है, श्रम शक्ति नाम है, श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, चल अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? किसी ट्रेन का नाम बदला गया होगा ना, उसी का नाम बदल के रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस, तो वो है हावड़ा कालका मेल, हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट SEZ लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है गुजरात के साथ। ठीक है, गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक है, साणंद के पास। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा राज्य कौन सा है यही ध्यान रखना बस। कौन सा भुगतान बैंक है बहुसाझेदार FD सेवा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? बहुसाझेदार FD सेवा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया जहां खाताधारक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ
साझेदारी में अपनी पसंद के अनुसार भागीदार बैंक का चयन भी कर सकता है। तो कौन सा है? ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसा किया है, ठीक है। चलिए ओके। तो ये भैया आज तीसरा वीडियो भी समाप्त हुआ है, ठीक है। इसमें 55 प्रश्न थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप अच्छे से सुनेंगे और आपकी परीक्षा में अच्छे से इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।